सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। WWE के शो पूरे साल होते हैं और ये दुनिया भर के फैंस का मनोरंजन करते हैं। इस साल के 6 महीने बीत चुके हैं और अब तक हमें कई सारे अच्छे मैचेस और शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है। आज हम आपको एक ऐसे मैच के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें रोमन रेंस द्वारा ब्रॉक लेसनर को स्टील केज के अंदर से स्पेयर दे दिया। रोमन रेंस का सामना रेसलमेनिया के बाद हुई ग्रेटेस्ट रॉयल रैम्बल इवेंट में यूनिवर्स चैंपियन के लिए ब्रॉक लेसनर के साथ हुआ। इस मैच का विवादित अंत रहा और लेसनर को विजेता घोषित किया गया। रोमन रेंस ने स्टील केज मैच के दौरान अंदर से ही लेसनर को स्पेयर मारी और दोनों केज तोड़ते हुए बाहर गिरे। इस साल की ये सबसे बड़ी यूनिवर्स चैंपियनशिप मानी जा रही है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।